हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वीनस के ट्रांजिट के बारे में। वीनस प्लैनेट्स जो कि ट्रांजिट करने वाला है जेमिनी में आज से यानी कि 21 जून तक। जेमिनी में ऑलरेडी मंगल हैं और वो तो वैसे 2 जून को चले जाएंगे और साथ ही साथ मरकरी भी हैं, तो जानते हैं कि ये आपके हर असेंडेंट पर और हर राशि पर इसका क्या असर होने वाला है और साथ ही साथ वीनस हम सबके लिए क्या लेकर आ रहे हैं अपने न्यू ट्रांजिट में जो कि वो जेमिनी में करना चाहते हैं, करने वाले हैं या आज समझ लीजिए आज उन्होंने कर लिया। तो चलिए देखते हैं। ऐसी एनर्जी है जो रिप्रेजेंट करता है चार्म को, एंटरटेनमेंट को, लग्जरी को, फैशन को, फ्रेंडशिप को, फ्लर्टनेस को, एंजॉयमेंट को, पीस को, बहुत ज़्यादा खुशी को, हैप्पीनेस को, ब्लिस को। ये ऐसी एनर्जी है जो एक गुड टाइम्स को रिप्रेजेंट करती है और ऑपोजिट जेंडर के साथ भी एक अजीब सी अट्रैक्शन को भी डिनोट करती है। तो जो लोग अपने रिलेशनशिप्स में इन चीज़ों में कहीं कमी महसूस कर रहे थे तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि जेमिनी की एनर्जी बहुत फ्लर्टेशियस एनर्जी है, कम्युनिकेटिव एनर्जी है और इसके साथ साथ वीनस खुद से ऐसी एनर्जी को डिनोट करते हैं। तो क्या होने वाला है ये हम हर असेंडेंट के बारे में जानेंगे, पर इससे पहले मैं कुछ न्यू डेट्स आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जैसे आपको कहा था कि मार्स वहाँ पर हैं पर मार्स 2 जून को ही वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, ट्रांजिट करके कैंसेरियन यानी कि अपनी डेबिलिटेटेड राशि में आ जाएंगे। तो वो तो अब 2 जून तक ही उनके साथ हैं और साथ में मरकरी उससे पहले ही 30th को ही रेट्रोग्रेड होकर वापस से टॉरस में चला जाएगा और 3rd को मतलब पूरा पहुंच जाएगा, 30th को रेट्रोग्रेड होगा और 3rd को वो शिफ्ट हो जाएंगे टॉरस में। तो एक हिसाब से जेमिनी में पूरा जो होल्ड है वो किसका होगा, वो होगा वीनस का। इनिशियल कुछ डेज अगर छोड़ दिए जाएं स्पेशली 2nd तक 3rd तक जबकि मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि मार्स की एनर्जी ऑलरेडी मार्स वहाँ है और जिस नक्षत्र में मृगशिरा जिस नक्षत्र में वीनस जा रहे हैं वो भी मार्स का नक्षत्र है, तो वो जो मार्स की एनर्जी है वो कुछ दिनों के लिए ज़रूर वहाँ रहेगी। वो जो बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है, बहुत कम्युनिकेटिव है, अगर आपने कोई काम नहीं किया, अगर सिबलिंग्स के साथ कोई भी इशू है या आपने कोई काम नहीं किया जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, अगर आपको कुछ न्यू एजुकेशन लेनी है, तो ये जो चीज़ें जो रुक गई थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा और वो बहुत जल्दी करने की कोशिश की जाएगी। आगे अगर हम देखें तो 3 जून के बाद से वो आर्द्रा नक्षत्र जो कि राहु से रूल्ड है उसमें जाएंगे वीनस। आर्द्रा नक्षत्र में आप कुछ भी लग्जरी से रिलेटेड, फिल्म से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, कुछ भी ज्वेलरी से रिलेटेड ऐसा कोई काम कर सकते हैं और राहु जो है वो छलावा है, शेडो है, तो ऐसी चीज़ें जो पर्दे पर कुछ और दिखती हैं और असली में कुछ और है, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, केयरफुल होना है बस। मैं बुरा नहीं कह रही हूँ पर आपको केयरफुल होना चाहिए। 14 जून को ये पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं जुपिटर का नक्षत्र है। जुपिटर अभी 20th तक रेट्रो नहीं हो रहे हैं और वो 11th यानी कि एक्वेरियस कुंभ में है, तो उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो 11वें घर में उनकी पोजीशन बहुत ही अच्छी है पुनर्वसु नक्षत्र में, क्योंकि जुपिटर का जो नक्षत्र है उसमें जाएंगे तो वीनस और भी ज़्यादा आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ भी नॉलेज विजडम, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कंप्यूटर से कंसर्न कुछ रह गया या नॉलेज से कंसर्न कुछ रह गया या सीखने से कंसर्न कुछ रह गया, किसी हॉबी की कोई चीज़ रह गई है तो वीनस चाहेंगे कि वो करें। पर वीनस की वैसे बेसिक एनर्जी फ्लर्टनेस की है, तो यहाँ पर कोई परमानेंट रिलेशन के लिए या सोलमेट या कमिटमेंट के लिए अगर आप नहीं सोचते हैं तो ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगी, आपको बहुत ज़्यादा कामनेस देगी, पीस देगी, स्पेशली आजकल के सिनेरियो में जब इतने ज़्यादा बहुत सीरियस हो चुके हैं लोग, बहुत ज़्यादा एक
जो वीनस की एनर्जी है उसके सही मायने हमें चाहिए थे, और अब क्योंकि नेचर हमें दे रही है तो मुझे लगता है कि इस एनर्जी को भी इंजॉय करना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए और एक जनरल एक गुड फ्रेंडशिप को इंजॉय करना चाहिए, एक गुड टाइम्स को इंजॉय करना चाहिए जिसमें सब आपस में बैठे और इंजॉय करें। देखिए शुरू करते हैं हम एरीज के साथ। एरीज की अगर हम बात करें तो ये इनके थर्ड हाउस में ट्रांसिट करेंगे। थर्ड हाउस सिबलिंग्स का है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, थर्ड हाउस शॉर्ट जर्नीज या ट्रैवल का भी है। तो अगर आप कुछ भी होता है, अगर शॉर्ट जर्नीज ट्रैवल होती है तो आप उसमें इंजॉय करेंगे, सिबलिंग्स के साथ भी आपका रिलेशनशिप बेटर होगा। जेमिनाइज के लिए ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है क्योंकि थर्ड के बाद वैसे भी कुछ प्लैनेट्स यहां से चले जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्स और मरकरी यहां से चले जाएंगे, तो बहुत बेटर है और वो एक अच्छे टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। बात करते हैं हम टॉरस की। टॉरस के लिए एग्जैक्टली जो है ये सेकंड हाउस में करेगा, और आपका लग्न का लॉर्ड है और खुद से ट्रांसिट कर रहा है तो थोड़ा सा केयरफुल आपको होना पड़ेगा। पर आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी चीजें जो मटेरियल से कंसर्न्ड है उसके ऊपर आपको बहुत दिमाग लगेगा। मटेरियल से कंसर्न्ड चीजों पर, फाइनेंसिस के ऊपर, पैसे के ऊपर आप थोड़ा सा केयरफुल होकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे अपॉर्चुनिटीज आपको जरूरत से ज्यादा मिलेंगी और बहुत अच्छी मिलेंगी, इसलिए आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए मैं आपको जरूर मुझे लगता है कि आपको मिलने चाहिए। तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज जो है, यू नीड टू लुक आउट फॉर द अपॉर्चुनिटीज। जेमिनाइज के लिए अगर आप बात करें तो बहुत टाइम के बाद जेमिनाइज को एक रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ मिलेगा, एक कंटेंटमेंट मिलेगी, एक पीस मिलेगा, एक चैन मिलेगा, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ गड़बड़ हो रही थी, बहुत खर्चा भी हो रहा था, बट आप अब बहुत सारे खर्चे को थोड़ा सा केयरफुली अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी सॉल्व होंगी और आपको बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली आपके अगर कोई न्यू पार्टनरशिप आपको मिलती है, कोई न्यू लव मिलता है, आपका गुड टाइम रहेगा। अभी आप इस पर कमिटमेंट नहीं अगर आप सोचें तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अभी आप कमिटमेंट के लिए आपको टाइम लगेगा, इसलिए आप इस पर टाइम लगाइए। साथ के साथ आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंजेस आने वाले हैं उसके लिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके असेंडेंट में है तो पर्सनैलिटी में चेंजेस तो आएंगे। स्पेशली अगर आप पढ़ रहे हैं या कुछ भी विजडम से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाहर से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और वो बार बार रुक रहा था तो वो भी कंप्लीट होगा और अच्छे से कंप्लीट होगा। कैंसेरियन यानी कि कर्क राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो ये आपका जो ट्रांसिट है ये 12th हाउस में है। देखिए अगर आप खर्चे से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुली सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बाद में घर में खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। तो अगर कंस्ट्रक्शन में भी कर रहे हैं या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने वाले हैं या करना चाहते हैं तो आपको बहुत केयरफुल होकर ये करना है। बहुत जल्दी नहीं मचानी है और ना ही फटाफट से डिसीजन लेना है, बहुत आराम से सोच विचार करके अगर आप डिसीजन लेंगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो है वो आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि देखिए ये लॉर्ड है आपके 11th हाउस का और आपके 4th हाउस का। फोर्थ हाउस में मैंने आपको पहले ही बताया कि घर में अगर कोई परिवर्तन हो या कोई कंस्ट्रक्शन हो या कोई और तरह का कोई खर्चा चल रहा हो। अब बात करते हैं हम लियो वालों के लिए। लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो ये ट्रांसिट जो है आप उनका 11th हाउस में है। तो देखिए मनी तो आएगा ही आएगा, 11th हाउस इज हाउस ऑफ गेन्स, मनी आएगा, हर तरफ से गेन आएगा, बहुत अच्छा गेन रहेगा, आपके काम से रिलेटेड आपको गेन्स मिलेंगे। आपको केयरफुल होना है सिर्फ अपनी बोली पर, क्योंकि वो मरकरी को आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, इसके अलावा और कुछ भी आपको केयरफुल रहने वाली बात नहीं। बहुत ही इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, बहुत खुशी से रहेंगे और इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से आप पैसे जोड़ भी सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। वीनस यानी कि कन्या राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है ये आपके 10th हाउस में रहेगा। 10th हाउस में वीनस का जाना यानी कि कुछ भी न्यू चीज़ का ऐसा जो घर से रिलेटेड है, जो आर्किटेक्ट से रिलेटेड है, जो होम डेकोर से रिलेटेड है, जो होम से फैमिली से रिलेटेड है, अगर इसमें ऐसी कोई चीज़ों में चेंज लाते हैं तो ये आपके लिए बेटर है। और अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्पेशली जैसे इंटीरियर्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है, या आप अभी नहीं आप कर रहे थे और लेकिन एकदम से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको कर लेना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। लीब्रा यानी कि तुला वालों के लिए ये ट्रांसिट जो है 9th हाउस में है, आपके लक को एनहांस करेगा, लक से पैसे भी आएंगे, लॉन्ग जर्नीज अगर आपकी रुकी हुई हैं तो वो होंगी। कुछ जो आपके 8th हाउस का लॉर्ड है और आपके लग्न का लॉर्ड है तो देखिए कहीं ना कहीं
इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट है कि आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ रिलीफ मिल रहा है, और जो जरूरत से ज्यादा आप बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन या चिंता में थे उससे आपको कुछ रिलीफ मिलेगा और आप बेटर की तरफ जाएंगे। कुछ चेंजेस इस तरीके के आएंगे जो लाइफ में आपको आगे की तरफ लेकर जाएंगे, और चेंज जो है वो आपकी लक में भी एनहेंसमेंट करेगा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो ट्रांसिट है वो आपके एथ हाउस में है, तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है। पर ट्रांसफॉर्मेशन किस बात की हो सकती है? हो सकता है कि आप अगर आपके पैरेलली दो लोगों के साथ आप बातचीत कर रहे हैं तो पकड़ा जाए, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपको खुद से सोचना है कि आपको किसकी प्रायोरिटी रखनी है, कि आपको किसके साथ जाना है, किसी एक रिलेशनशिप के साथ जाना है। एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो आपको कन्फ्यूजन दे। वीनस देखिए लग्जरी का है तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन तो देगा, और एक से ज़्यादा जेंडर जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। आपके ऑपोजिट जेंडर वाले आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक से ज़्यादा लड़कियाँ एक से ज्यादा लड़के अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आपकी लाइफ में ऐसा है कि आप दोनों के साथ ही फ्रेंडशिप रख रहे हैं, तो शायद कोई प्रायोरिटी करने का टाइम आ जाए, तो थोड़ा सा केयरफुल होना है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको और भी ज्यादा केयरफुल होना है, अपने लॉक वगैरह या पासवर्ड्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर वो टाइम है जब कहीं आप जरूरत से ज्यादा अगर आगे जा रहे हैं तो आपको ठहर कर सोचने का टाइम है, जरूर सोचिएगा। सैजिटेरियस के लिए यानी कि धनु के लिए अगर हम बात करें तो ये आपके सेवेंथ हाउस आपकी वाइफ के घर में है, या आपके पार्टनर के घर में, या पार्टनरशिप के घर में, समझ लीजिए क्या ये ट्रांसिट आ रहा है। तो वीनस का वहाँ आना लग्जरीज को लेकर आएगा, लग्जरी से रिलेटेड काम लेकर आएगा, पार्टनरशिप्स लेकर आएगा, एक जनरली एक बहुत ही अच्छा एक एटमॉस्फेयर रहेगा और आप उसे बहुत इंजॉय करेंगे, अपने पार्टनर को, उनके साथ को, उनके साथ उनकी हैप्पीनेस को शेयर करेंगे। और कहीं ना कहीं जो कुछ वीक से जो एक तलखी सी थी, एक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में गैप था, या अपनी बात नहीं बताई जा रही थी एक दूसरे को, तो उसमें एक मिठास आ जाएगी, एक रस आ जाएगा, उस रस को आप इंजॉय कीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैप्रिकॉन यानी कि मकर वालों के लिए ये सिक्स्थ हाउस में है, तो ये कर्जा झगड़ा बीमारी का घर है। यहाँ पर वीनस का आना ये बताता है कि थोड़ा सा आपको केयरफुल होना है, क्योंकि ये आपका लॉर्ड भी है ना, आपके सेकंड फिफ्थ हाउस का और आपके टेंथ हाउस का लॉर्ड है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, अपने किसी भी प्रॉब्लम को लेकर आपको, स्पेशली लिटिगेशन को लेकर केयरफुल रहना है, वरना आपको काफ़ी पैसे देने पड़ सकते हैं, या आपको अपनी बोलबानी में भी केयरफुल रहना पड़ेगा ताकि कोई कर्जा झगड़ा ना चढ़े। अगर आप कर्जा ले रहे हैं तो दोबारा सोच के लीजिए, अगर इतने दिन अवॉइड कर सकते हैं तो वो कीजिए, वरना कर्जा बढ़ ना जाए कहीं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। अगर आप कर्जा लेना ही चाहते हैं और उसके लिए बहुत टाइम से लगे हुए थे तो आपको इस टाइम में ज़रूर मिल जाएगा। एक्वेरियस यानी कि कुंभ के लिए ये ट्रांसिट जो है वो आपके फिफ्थ हाउस में यानी कि आपके एजुकेशन के हाउस में और आपके एक हिसाब से अफेयर के हाउस में, लव के हाउस में है, रिलेशनशिप्स के और लव के हाउस में समझ लीजिए। तो ये जो ट्रांसिट है यहाँ पर वीनस का आना तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत ईज देगा। बहुत टाइम से अगर आप अपने पार्टनर के साथ, जिसे आप बहुत प्यार भी करते हैं बट आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके अंदर, और एक इतने अच्छे ढंग का एक्सप्रेशन आएगा कि वो भी जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आपके एक्सप्रेशन का, तो आप एक्सप्रेस करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, उनको बहुत रिलीफ भी मिलेगा, आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जो इंजॉयमेंट का टाइम है उसे आप इंजॉय कर सकते हैं, साथ साथ एजुकेशन भी है। अब इसमें कहीं भी इम्बैलेंस नहीं मैंने बोला कि होंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छा टाइम है जो आप लोगों को इंजॉय करना चाहिए। पाइसेस यानी कि मीन के लिए अब देखिए फैशन, ब्यूटी, ये बैलेंस, चार्म, लग्जरी, एंजॉयमेंट, जो वीनस एक्चुअली चाहता है वो आपके हाउस पे है, घर पर है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने घर पर आजमा सकते हैं, देख सकते हैं, चेंज भी ले सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके घर में ये सब कुछ होगा, आप नए घर के बारे में सोच सकते हैं, घर में रेनोवेशन के बारे में सोच सकते हैं, न्यू सोफा सेट्स के बारे में सोच सकते हैं, न्यू कंस्ट्रक्शंस के बारे में सोच सकते हैं, और इसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत रिलीफ देने वाला होगा। तो फ्रेंड्स वीनस का ट्रांसिट बहुत होपफुल ट्रांसिट है, आप इसे ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और कमेंट्स भी लिखिएगा। साथ के साथ मैं आपको बता दूं ये इंडिविजुअलिस्टिक रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है, इंडिविजुअलिस्टिक आपको पता चलेगा कि आपकी वीनस की वैसे प्लेसमेंट कहाँ है, और आगे मरकरी और मार्स और बाकी के प्लैनेट्स का भी इम्पैक्ट ज़रूर होगा। ये केवल वीनस के ट्रांसिट के बारे में मैं बात कर रही थी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much, friends.